जो यहाँ पर बिल्ली का पोस्टर लगाना, फ्रेंड्स ये बहुत ही एक्सपेंसिव बिल्ली है, किसी की गुम हो गई है, अगर कोई बिल्ली को ढूंढ कर लाएगा तो 1200 यूरो देंगे, जो इंडिया का 1,10,000 रुपए बनता है। अवलीन देख के इतना खुश हो, कहती मम्मा यही बिल्ली मैंने देखी, क्योंकि ये स्पेशल बिल्ली है ना। आपको क्लास में बोलते नहीं कि अवलीन आपके बाल इतने लंबे हैं? बोलते हैं। हाय, मेरा भी सपना था मेरी शायद छोटी इतनी हो जाती बाल। ओए ओहो, जिस दिन छुट्टी होती है इनका ना, कमांड का सबसे देखकर अभी मैं करती हूँ कड़ी का घोल रेडी, धनिया पाउडर, बर्फी हमारी बन गई है, बच्चों ने खा भी ली है। ये लोग ओलिवर अचार बहुत खाते हैं, तेल भी ले लेते हैं, इनके ब्रेड जैसे नान नहीं होते वैसे। कमांड का सबसे देखकर गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक है। सुबह के क्या हो गया? 11:30। और क्या बन रहा? ब्रेड बन रहा है। अरमान आज खाए ग्रिल सैंडविच। और आपने क्या किया? दुश कर लिया? दुश कर लिया? दुश नहीं नहीं, मैं हाँ नहा लिया, नहाने को दुश बोलते हैं ना। अरमान का दुश, और अलीजा अवलीन आ रही हैं। आज है संडे, आज है हमारा फन डे, आज अरमान खेलेगा, घर पे रहेगा, कल स्कूल जाएगा। बाहर मौसम अच्छा है, थोड़ी सी बारिश है, अरमान बाहर कैसे जाएगा खेलने? अरमान सारा दिन शिवा देखता है। अरमान बोला शिवा शिवा, बाहर शिवा शिवा कितने? जब मैं कैमरा ऑन करती तो पहले बोलने लगता, हम सब ठीक है गाइस, हम सब ठीक है गाइस। तो चलो हाँ हाँ बाद में बातें करना, पहले आप ब्रेड ले लो ठीक है। चलो ब्रेड दूँ आपको। अरमान नो, अरमान को बोलते नीचे उतर जा, गुस्सा करता है। हमारे सैंडविच हो गए रेडी। यम्मी अरमान, नामी खाओगे? कौन सा मुँह खाएगा? ये वाला मुँह खाएगा या मम्मा? ओके, मैंने साहब को कहा दूध निकाल दो, 10 लीटर दूध पड़ा है। आज मैं बनाऊंगी पनीर, मैंने कहा पहले ब्लैक टी पी लूं, थोड़ी सी हनी डालकर, थोड़ी सी ठंड कम लगे। जब भी मैं ये वाली कोटी पहनती हूँ ना, तो अरमान बोलता है कि मम्मा बाहर चलो, नहीं तो उतारो इसको, आज ये बाहर गया था ना तब मैंने पहनी। अरमान बाहर खेलने जाना, कोई बात नहीं, पापा फ्री है ले जाएंगे बेटा। हाँ साइकिल टूट गया था उस दिन, याद है ना आपको? आहो जाएंगे जाएंगे, अवलीन लेके जाओगी, बाहर इतनी ठंड है। आज मोटरसाइकिल ले जाना ठीक है? पहले दूध चार्ज करना। हाँ फिर वो भी चार्ज नहीं। अरमान मैंने कहा निकाल दो, साहब को भी ठंड लग रही है, टोपी लिए। मेरा भी मन करता है मैं भी ना सिलाइयों पे बनाऊंगी एक अपने लिए सॉक्स, गर्म वाली ऊन की, टाइम मिलेगा तो। आज तो कपड़े उठाने वाले पड़े हैं, अवलीन दोनों ऊपर अपना होमवर्क कर रहे, अरमान जाएगा उनको पूछने की क्या कर रही हो बहनों। आज पनीर ज्यादा बनाना साहब ठीक है, एक दूसरा पतीला वो भर के पनीर का बना। ये वाला नहीं, ये नहीं, ये तो गर्म कर लो ना। अरमान ये क्या हो रहा है? इसमें बनाना वाटर नहीं है, ये नहीं, ये दूध है, हॉट भी नहीं है, ठंडा है, कोल्ड है, देखना। बच्चे ऐसे होते हैं। पीना बेटा, ये ना कच्चा है बेटा। अरमान दूसरा पी लो, अब गर्म हुआ जो रखा गर्म करके, सारे पंगे करने, साइकिल भी ठीक करना साथ में। आज पापा फ्री है ना, तो पापा के साथ बस चिपक गया। देखना इसमें एक नट डाल दिया मेरी चाय में, ये लड़का ना सोचता है कि माँ चाय क्यों पी, क्या कर दिया? हाँ नहीं पक नहीं, गर्म है, हाथ जल जाएगा, इतना खराब। हलवाई हमारे घर में आ गया, टोपी वाला, पता नहीं कहाँ से। अरमान हलवाई कौन आ गया हमारे घर में? हलवाई कौन है जिसने कंधे के ऊपर तौलिया रखा है, टोपी ली है? है अरमान कौन है वो?
टोपी क्यों लिया, नहाया नहीं ना, संडे है। नहाए नहीं हम लोगों ने तो नहा लिया भाई, हम लोग तो कब का फ्रेश हो गए। मैं अरमान, मैंने बाल धोए आज और अरमान ने भी बाल धोए ना। हाँ, फिर बाल सुखाए, फिर अवलीन के बालों में तेल लगाया, अलीजा की बाल बनाए। नहीं उठा सकती, हाथ लगाओ, कितना गर्म है, लगाओ, पता चलता है ना। अभी पीने के बाद ही मिलेगा, ठीक है? ठीक है, बोलो ठीक है मम्मा। ठीक है मम्मा। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं फ्री हूँ। पिंगविन, पिंगविन कहाँ पर है? पिंगविन पाल है, पिंगविन है ही नहीं। इधर देखना, ओहो हो, जिस दिन छुट्टी होती इनका ना, पता नहीं प्यार के झगड़ा तीनों का, बस अरमान ओए, अरे मारो मत, इधर देखना। नहीं मारते नहीं बेटा, क्या गुगू गागा नहीं, दीदी को बोलो उठ दीदी, अलीजा दीदी, हाँ पप्पी दे दो अलीजा दीदी को, वेरी गुड। बेबी बनता है अरमान, बेबी बनता है। आपने आज चूड़ियां पहन ली अवलीन, मैंने तो देखी नहीं आपकी चूड़ियां। अरमान ने दिखा ना, अरमान ने मेरे साथ क्या किया, दिखा ना, कैंची डाल दी अपने पैर को, इतना वो स्ट्रॉन्ग है अरमान ना, हम छुड़ा नहीं सकते। अरमान जाओ मम्मा, जा सकती मम्मा, जाओ नहीं, क्यों नहीं जाने देते बेटा, आपको ऐसे लगता है। अभी मैं अरमान माखी खान जाऊं, मेरा पैर बाहर कर ला। अवली ने हेल्प किया, ऐसे करता अरमान। अलीजा बारिश होकर रुक गई है, मैंने सोचा था गार्डन साफ करेंगे, थोड़ा सा दिवाली आने वाली है, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ठंड हो गई, बादल देखना कितने गहरे हो गए हैं, काले बादल हो गए हैं। कपड़े मैंने वहाँ सामने सुखाए हैं, रात को अंदर रख दूंगी, सूख जाएंगे। नॉर्मल अरमान खेलता, मैंने अरमान के सारे खिलौने यहाँ नीचे रख दिए, मैंने कहा भीग जाएंगे। लड़ाई कर करके कमले हो गए तीनों। मैं अवलीन के ना बाल बना दूं, इन्होंने झगड़ा कर करके ना बाल ही खराब कर दिए लड़की के, इतने सुंदर, इतने लंबे, इतने घने बाल है अवलीन के। है अवलीन, आपके बाल तो बहुत प्यारे हैं बेटा, हैं? हाँ। दिखाना फ्रेंड्स को खड़े होके कितने लंबे हैं पीछे से, वेरी गुड। कहाँ तक जाते हैं देखो, चेयर तक जाते हैं ना, वाह। अभी तो मैंने तेल लगा दिया इसके बालों में, अरे वाह। अवलीन आगे करो, अब सारे बाल आगे करो, टी शर्ट के पता लगेगा ना कहाँ तक आएंगे, लंबी सी चोटी, अरे वाह, टी शर्ट से तो कहीं नीचे है अवलीन। पीछे से और भी लंबे हैं। कौन सा तेल लगाते हो वो भी बताओ, पीछे से यहाँ से आते हैं। कौन सा तेल लगाते हो वो भी बताओ, नारियल का, नारियल का। ये रहा अवलीन का तेल, दिखाओ ये तेल। मैं वैसे ना बड़ा डिब्बा लेते हैं हम लोग, पर मैंने ना निकाल के रख लिया इसके लिए। आज चलो चोटी बना लो, हमेशा नहा कर तेल लगा लेती है अवली, है ना अवली, बिल्कुल प्यार नहीं करते ना। नहीं। आप लोग कहते छोटे बच्चे बहुत रोते हैं जब हम लोग कंघा करते हैं दीदी, आप लोग बोलते ना कि दीदी जब हम लोग कंघा करते हैं बच्चों के बालों में, बच्चे रोते हैं, अगर तेल लगाए तो बच्चे कहाँ रोएंगे। आराम से बैठिए ना अवली। मैं रोज रोज नहीं लगाती, वीक में बस एक ही बार लगाती हूँ इसके तेल। आज बहुत गीले हैं। आज गीले, आज ज्यादा लग गया थोड़ा सा ना, तो अभी चोटी बना देते हैं और फिर चोटी बना लेती हूँ। अवलीन कहती मैंने अपने आप चोटी बनानी है, तो मैंने कंघा करती है,
मैंने कहा अभी अवलीना अपने आप बना लेगा। जितने लंबे बाल मर्जी अवलीन के, पर अवलीन अपने बाल खुद बना लेती है, पोनी बना लेती है ना अवलीन। हाँ। और अच्छे से टाइट वाली चोटी बना लेती है। आप क्या देख रहे हो, आपके बालों की चोटी बना दे? नहीं मम्मा। चलो अभी आगे कर सकते हो बेटा। हाँ ऐसे करके, वेरी गुड। आपको क्लास में बोलते नहीं कि अवलीन आपके बाल इतने लंबे हैं? बोलते हैं। कौन बोलता है? सब बोलते हैं। थोड़ा वो रही रबड़ बेटा आपकी, चढ़ अरमान में सब के ले गया था। और अरमान रबड़ दे दो दीदी को बेटा। नहीं। क्यों नहीं देनी? मैंने कब कहा आप खाओ? मैंने तो नहीं कहा आप खाओ। चलो भी दीदी आपकी चोटी बन गई, दिखाना। हाय मेरा भी सपना था मेरी शायद चोटी इतनी हो जाती, भाग ही गई। मैंने साहब को बोला, मैं गिर गए। ओ क्यों गिर गए बेटा? मैंने साहब को कहा यहाँ पर एक फट्टा और डाल दो ऐसे, यहाँ पर मेरे कपड़े बहुत ज्यादा हो गए, अब तो संभाले नहीं संभलते। तो अभी आते हैं साहब और देखते हैं। मेरे को पता आप नहीं चाहते, पर मम्मा तो चाहते। What will any done? कहता मैं नहीं चाहता एक बार नहीं। अभी हम अलीजा की ना बुक्स को सेट कर रहे हैं, क्योंकि डबल डबल आ गई हैं, तो ये वापस जाएंगी ना, जो दो दो आई हैं ना वो वापस जाएंगी। फ्रेंच। अच्छा फ्रेंच की है। नीदरलैंड। नीदरलैंड। डच। हिस्ट्री। हिस्ट्री की बुक। विस्कंद मैथ। दो इसकी आई वापस है। अच्छा दो इसकी भी है। इतनी सारी बुक्स आई, पहले तो आई नहीं इतना टाइम है, फिर डबल डबल भेजते हैं उन्होंने। अरमान आम मत छेड़ो बेटा, इसको पैकिंग करके वापस भेजेंगे ना। पहले तो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि लीजा की बुक्स आ जाए, क्योंकि हम लोग इंडिया चले गए थे ना, तो हमने एक बार मना कर दिया। फिर इतने दिनों बाद बुक्स आई, दो वीक के बाद। अलीजा ने बहुत वेट किया कि मेरी बुक्स आ जाए, और बाद में फिर स्कूल ने डबल डबल भेज दी। यहाँ से वो बुक्स आई है वहीं पर वापस जाएंगे, क्योंकि हमने क्या करनी है ना इतनी बुक्स का, फिर बाद में स्कूल पूछेगा ना। तो चलो आज ये काम भी हो जाएगा। और अभी मैं बनाती हूँ डिनर, 4:15 हो गए। आज मैं बनाऊंगी कढ़ी, सिंपल सिंपल कढ़ी के साथ रोटी बस, और कुछ नहीं। कल हमने बहुत फ्राइड खा लिया, आज नहीं, आज बस सिंपल ही खाना खाएंगे, क्योंकि साग है थोड़ा सा, साहब खा लेंगे तो फिर हम लोग तो कढ़ी के साथ ही खा लेंगे। माँ बेटे, हमारे पड़ोसियों को कोई गेस्ट आया, वो लेके आए, बुके में देख रहे थे। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी। पहले डालती हूँ बर्तन डिश वाशर में, बच्चे कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं सुबह से, जिस दिन छुट्टी होती। हाँ बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है आज इतना शोर मचा रहे हो? हाँ क्या लेना? चलो ठीक है ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कहता भाई। हाँ आप गाने गाओ चाहे कुछ गाओ, मम्मा सामान निकाल दे, निकाल कर तो बर्तन डाल दे। जब तीनों मिलकर खेलते हैं ना तो फिर ज्यादा ही खुशी आ जाती है इनमें, तो फिर एक दूसरे को बाल ही खींचते हैं तीनों। अलीजा भी अरमान के बाल खींचती है, फिर अरमान उनके खींचता है, उल्टे काम करते हैं लोग तीनों। अभी मैं करती हूँ कढ़ी का घोल रेडी। दो बड़े चम्मच डाल देंगे बेसन के, हमारे लिए इतना बहुत है। और अभी मैं सारे मसाले डालूंगी इसमें, लाल मिर्ची, हल्दी। हाँ आती हूँ बेटा। धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और योगर्ट। मैं ये डब्बे वाली योगर्ट डालती हूँ हमेशा,
ये खट्टी होती है, इससे कड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी मैं डाल दूंगी दही, सारा डिब्बा नहीं डालूंगी, बस आधा ही डालूंगी, फिर पानी डालेंगे। देखिए बहुत अच्छी दही होती है, बस बहुत है इतनी सी। अभी हम इसका पेस्ट बनाते हैं अच्छे से, फिर बाद में इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालकर घोल रेडी कर देंगे, पहले अच्छे से घोल लें। दो ढाई गिलास मैंने पानी डाल दिया, अभी घोल हो गया रेडी। तो अभी हम बनाते हैं कढ़ी, पैन को चढ़ा देते हैं और अभी मैं डालती हूँ घी। घी हमारा गर्म हो गया, अभी मैं डाल दूंगी जीरा और मैं डालूंगी साबुत, लाल मिर्च, तेज पत्ता। अभी मैं डाल दूंगी लहसुन और अदरक। हाँ, अदरक भी डाल देते हैं, अच्छे से भूनते हैं। अभी हम डालेंगे इसमें प्याज। इसमें आप हरी मिर्च डाल सकते हो, हमारी मिर्चें तेज बहुत है ना, फिर बच्चे नहीं खाते तो इसलिए मैं नहीं डालती। अभी मैं डाल दूंगी अनियन खूब सारे, इसमें आलू भी डाल सकते हैं, हमारे आलू भी नहीं है आज, तो मैंने कहा चलो साग है ना उसके साथ खाएंगे। इसको पकाते हैं और फिर डालेंगे इसमें जो हमने घोल रेडी किया वो वाला। अनियन हमारे पक चुके हैं, ज़्यादा ही नहीं ब्राउन करेंगे क्योंकि ऐसे ना अच्छे लगते थोड़े से मोटे। तो अभी हम डाल देते हैं घोल, इसको धीमी आंच पे पकाएंगे, आधे घंटे में बनेगी। बाद में डालेंगे इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया। हमारी रोटी बन गई है और कड़ी भी हो गई रेडी, देखिए कितनी अच्छी बनी है ना। इसको मैंने आधा पौना घंटा पकाया, साग भी है ना साथ में, एक कड़ी हो गई एक साग हो गया। हमारा खाना हो गया रेडी और अभी हम करते हैं डिनर। खाना हो गया रेडी, आज मैंने बड़ी सी रोटी बनाई पतली पतली। साहब कहते तवे जितनी रोटी बनाओ, हमारा तवा ना ऐसे, अगर हम छोटी रोटी बनाते हैं ना तो साइडों से पकती नहीं फ्रेंड्स, वो तवा दूसरा है ना ये इंडक्शन वाला, इंडियन तवा नहीं कि ऐसे नीचे से गोल हो ना। हाँ ये पूरी पकी है। बर्फी हमारी बन गई है, बच्चों ने खा भी ली है, छोटे छोटे पीस काट देते हैं और डिब्बे में रख देंगे। ऐसे जैसे खोया है ना, छोटे छोटे पीस काट दे फिर काट के डिब्बे में डाल देते हैं। काट दे। दो तीन दिन से बना के रखी पड़ी है तो मैंने कहा ठंड है खराब थोड़ी होती है ना, छोटे छोटे पीस निकालोगे बहुत बड़ा निकलेगा। इनको भी डबल, हाँ छोटे पीस करो, फिर बच्चे ना खराब करते, कभी कभी बच्चे खाते नहीं ना। वो सोना बहुत सुंदर बनी है ना, बहुत ही ज्यादा। अभी डाल दो ऐसे, ओनली दिस वन इज थिक, बस ठीक है कोई नहीं, रख दो फिर क्या, मोटे भी रख सकते, मैं तो ऐसे कह रही हूँ। अच्छे से पीस हो जाएंगे, मैं रख देती हूँ भर के डिब्बा। ऐसे आप लोग बर्फी बनाकर देखना फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनती है ना, ऐसे लगते नहीं बेसन, ऐसे लगती है खोए की बर्फी है। चाशनी को ना ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा सा ही पकाना है, एक तार की चाशनी बनानी है और बाद में बेसन को ना भून कर ठंडा करना है, उसी टाइम नहीं डालना, फिर ना वो दूसरी हो जाती है बर्फी, फिर सॉफ्ट नहीं रहती। अगर हम लोग बेसन को पकाकर जल्दी से उसमें चाशनी डाल देना गर्म गर्म, मैं थोड़ा सा ठंडा करती हूँ हमेशा उसको ना। हाँ ठंडा, हाँ हाई फ्लेम पर मत भूनो,
फिर भी हमारा डिब्बा भर गया मेरे को तो छोटी छोटी, बहुत टेस्टी है। मौसम अच्छा हो गया, बाय। बच्चे जा रहे हैं बाहर साइकिल चलाने, देखना कल झाड़ू वाले आए और आज क्या हाल कर दिया ना। अभी कल मैं झाड़ू लगाऊंगी, सूख जाए, मैं सोच रही थी अभी लगा दूं, अभी गिला। बाय अबलीन, ध्यान रखना अरमान का। जो यहाँ पर बिल्ली का पोस्टर लगा ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही एक्सपेंसिव बिल्ली है, किसी की गुम हो गई है, वहाँ पर नाम भी लिखा है सिम्बा। उन्होंने ना इनाम रखा, अगर कोई बिल्ली को ढूंढ कर लाएगा तो 1200 यूरो देंगे, जो इंडिया का 1,10,000 रुपये बनता है। पर हम लोग ना प्लेग्राउंड गए तो अवली ने ये वाली बिल्ली देखी, देखिए हमारे आगे से निकल गई, अगर हम पकड़ लेते तो शायद हमको आज 1,10,000 रुपये इनाम मिलता। अवलीन देख इतना खुश हो, कहती मम्मा यही बिल्ली मैंने देखी, क्योंकि ये स्पेशल बिल्ली है ना, कलर भी अलग है। गाइस हमको ना वो पूछा मिली थी, पर वो पूछा बाद ही नहीं, तो हमको ना 1200 यूरोस मिलने थे। गाइस अच्छी मेरी वाह भागी थी, हमें दिख गई थी, जो पूछा गवाची सी हमें मिल गई थी गाइस, पर वो भाग गई। अवलीन कह रही है मम्मा अगर मेरे को 1200 यूरो मिल जाते तो मैं एक तोता लेके आती, वो भी 1000 यूरो। कह कहती हाय भगवान आज पैसे मिल ही जाते तो अच्छा था। से चीज देखो गाइस मैं आप चुप रही आजकल फॉल सीजन चल रहा है ना फ्रेंड्स, तो बच्चे स्कूल के साथ ना कुछ ढूंढने जाते हैं, अलग अलग कलर के पत्ते मशरूम्स। तो अरमान ने कहा अवलीन चलो हम भी ढूंढने जाते हैं, दोनों आज मिलकर ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ, बच्चे ना इकट्ठे करते हैं, एक्चुअली बताते हैं बच्चों को कि वेदर कैसा है, अब क्या होगा, आगे बारिश आएगी या फॉल आएगा ना, वैसे ही बच्चे करते हैं। अवलीन ढूंढ रही है, देखिए अवलीन को भी बहुत पसंद है, और यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे प्यारे बर्ड्स। अवलीन तो यहाँ पे आके खुश हो जाती, कहती मम्मा यही ले दो मेरे को, अवलीन तो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी आ गए योगर्ट लेने, योगर्ट खत्म हो गई थी तो मैंने कहा वो लेंगे, यहाँ पर सारा सामान मिलता है, बहुत बड़ी दुकान है। ये लोग ओलिवर अचार बहुत खाते हैं, देखना जैसे हम इंडियन खाते हैं ये सिंपल खाते हैं, हम लोग मसाले वाला खाते हैं ना बिना मसाले का अचार भी। ये वाली दही ली है, तेल भी ले लेते हैं, एक ऑयल और किशमिश देते हैं। यहाँ पर इनके ब्रेड जैसे नान नहीं होते वैसे ब्रेड होते हैं इनके, पिज्जे भी दे लेते हैं। चलो मैं करती हूँ क्लीनिंग, ये भी उखाड़ने साहब हैं, प्लीज़ ये उखाड़ दो सारे, क्लीन कर दे बस, अभी दिवाली आने से पहले बर्फी काट के रख दी है। आपको भी सवाल लगी, बंद कर दूँ, दूध हो गया गरम, और अभी मैं मारती हूँ कपड़ा, बस करती हूँ क्लीनिंग, खाना खाया बच्चों ने, डाइनिंग टेबल कर दूँ क्लीन अच्छे से, वैक्यूम क्लीनिंग कर दूं, उसके बाद मैं फ्री हूं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, बाय बाय।